हेलो फ्रेंड, मैं संदीप मौर्य, आप सभी का स्वागत है क्रेजी नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी को प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये बताएंगे, जो फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं प्रतिशत कैसे निकालेंगे। पहले हम समझ लेते हैं प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे। प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रति प्लस शत, प्रति प्लस सत बराबर प्रतिशत होता है। प्रति के मतलब क्या होता है, प्रति के मतलब होता है प्रत्येक, प्रति के मतलब होता है प्रत्येक, प्रति 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 के मतलब होता है प्रत्येक। सत के मतलब होता है प्रत्येक सौ पर, सत के मतलब होता है प्रत्येक सौ पर, प्रत्येक सौ पर। प्रतिशत का संधि विच्छेद होता है प्रति प्लस सत प्रतिशत, यानी कि प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और सत का मतलब होता है प्रत्येक सौ पर। अब इसकी हम वो देख लेते हैं सिंबल क्या है, सिंबल यानी कि इसकी साइन क्या है, चिन्ह, इसकी चिन्ह क्या है, इसकी चिन्ह है अगर किसी जगह ये चिन्ह है तो जानो हमें प्रतिशत निकालना है, यानी कि परसेंटेज निकालना है। और यह है हमारी प्रतिशत की साइन, जैसे है 20%, इसको परसेंट भी बोल सकते हैं और प्रतिशत भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें यानी कि प्रतिशत यानी कि परसेंटेज निकालना है। जैसे हमारे पास 20 रुपए हैं, लिख लेते हैं सवाल, 20 रुपए हैं, अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है, 20 का 10, इसको हम प्रतिशत बोलेंगे, परसेंट भी बोल सकते हैं प्रतिशत भी बोल सकते हैं। अगर ये चिन्ह लगी है तो जानो प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत 20 का 10, यानी कि 20 का 10 प्रतिशत निकालना है, यानी कि हमें 20 का 10% निकालना है। फ्रेंड्स हमें 20 का 10% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये, जैसे प्रत्येक यानी प्रत्येक सौ पर, पहले हम सवाल लिख लेते हैं 20 गुणे 10, और ये प्रतिशत यानी कि ये परसेंटेज हटाएंगे तो हमारा नीचे 100 हो जाएगा, ये जब इसका साइन यानी कि चिन्ह हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 100। अब इसको दो जीरो से काट देंगे, जो हमारा आएगा वो हो जाएगा आंसर। तो हमारा 2 1 कम 2, फ्रेंड्स ये हो गया हमारा 2 आंसर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है हमारा 100 का 30% कैसे निकालेंगे। तो आइए इसको भी चुटकियों में हल करेंगे। 100 का 30% यानी कि प्रतिशत 30 का निकालना है। तो फ्रेंड इसको भी बहुत आसान ट्रिक में निकालेंगे चुटकियों में हल कर। यानी कि जब परसेंट हटाएंगे तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये का के मतलब आप सभी लोग नहीं जानते हैं, तो का के मतलब होता है गुणा, जैसे यहाँ पर 100 का 30%, तो हमारा यहाँ पर 100 गुणे 30 बटे 100। अब हमें इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, हमारा यहाँ पर क्या बचा, 10 गुणे 3, हमारा यहाँ पर बचा 10 गुणे 3। अब हमें इन दोनों को गुणा कर लेना है, 10 तिया 30, हमारा क्या हो गया, 30 आंसर हो गया। फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, 30 आंसर हो गया। अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा सवाल है 250 का 50% निकालना है। 250 का 50% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये हमारा तीसरा सवाल है। 250 का 50%, यहाँ पर परसेंट भी लगा सकते हैं और प्रतिशत भी लिख सकते हैं, प्रतिशत भी लिख सकते हैं,
निकालना है हमें। तो फ्रेंड्स निकालना है, कैसे निकालेंगे? पहले लिखेंगे हम 250, फिर लिखेंगे गुड़े यानी कि 250, फिर लिखेंगे यहाँ पर 50, फिर लगाएंगे बटे, फिर लिखेंगे 100। अब हमें क्या करना है, दो जीरो से दो जीरो काट देना है फ्रेंड, दो जीरो से दो जीरो काट देना है। फिर ये हमारा 25 और 5 बचा, इसको बराबर में लिखकर 25 गुड़े 5। अब हमें क्या कर लेना है, इन दोनों को गुणा कर लेना है। तो क्या होगा, 25 का लिखेंगे 5, हमारा 2 हो जाएगा कैरी, 25 और 5 दुनी 10, 10 और 2 12, ये हो गया हमारा आंसर, 25 × 5 = 125 आंसर। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।